भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। दोनों देशों के नेताओं ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हुआ आपसी समझौता। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मसलों पर मिलकर करेंगे काम। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक संबंधों को लेकर संवेदनशील हैं और एक दूसरे के हित का रखेंगे ख्याल। भारत ने किशनगंगा परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से इस बात को और बल मिला है कि भारत सिंधु जल संधि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने कहा कि अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सरकार सच्चाई जानने का कर रही है प्रयास। कहा मामले की चल रही है हर स्तर पर जांच, सरकार इस मामले पर सदन में चर्चा को तैयार। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि हेलीकॉप्टर सौदा मामले पर सरकार और संबंधित मंत्रालय ही लेंगे निर्णय। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सौदा रद्द किए जाने पर उन्हें नहीं है कोई आपत्ति। श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि श्रमिकों की समस्याओं से सरकार है अवगत। कहा उनकी मांगों पर चल रही है कार्रवाई। बीजेपी आने वाले संसद सत्र में महंगाई, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को संसद में उठाएगी। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर हुई संसदीय दल की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर मामले को संसद में उठाएंगे। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि दलाली किसे मिली। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को महिला आरक्षण बिल पर आम सहमति बनने की है उम्मीद। दिल्ली में महिला आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार संवाद में उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लाया जा रहा है अध्यादेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013-14 के लिए राज्य विधानसभा में 2,21,201 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। मुख्यमंत्री ने 23,913 करोड़ रुपए के घाटे का बजट किया पेश। कोई नया कर नहीं, बसपा सदस्यों ने विधानसभा में किया हंगामा। मेघालय में चुनाव प्रचार चरम पर, 4 दिन बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश सरकार राज्य में सतत सरकार उपलब्ध कराने के लिए मिलकर कर रही है काम। शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 135 अंक चढ़कर 19,636 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 41.5 अंक की बढ़त, 5,940 पर हुआ बंद। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का शानदार प्रदर्शन जारी। टीम ने सोमवार को खेले गए एफए कप के 5वें दौर में रीडिंग को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही मैन यू ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया।